माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वर्ग जो उभयचर है, क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया का पार्ट टू, जो हमने 15 कैरेक्टर पढ़े थे इससे पहले वाले पार्ट वन में। तो हम 16वां कैरेक्टर जो है एम्फीबिया का पढ़ने जा रहे हैं। वो 16वां महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है क्या है कि ये इनमें उत्सर्जन अंग के रूप में एक जोड़ी मीजोनेफ्रिक ब्रक पाई जाती है। इनके लिए महत्वपूर्ण ये बात है कि जो जंतु तो यूरिया उत्सर्जी होते हैं। ये जंतु जो है यूरिया उत्सर्जी, ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता। अगर जंतुओं के बारे में पूछ रहा तो आप लिखना यूरिया उत्सर्जी। जंतु जो होते हैं वो यूरिया उत्सर्जी होते हैं, ठीक है ना। यूरोटेलिक, इनको क्या कहते हैं? यूरोटेलिक। जबकि जो लार्वा होते हैं, लार्वा अवस्थाएं हैं जो इनकी लार्वा होते हैं, वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। ये विशेष बात है इसमें। अमोनोटेलिक की मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, TELIC, अमाउंट लेक। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जंतु तो उत्सर्जी होते हैं क्या? यूरिया के लिए। और जो लार्वा होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17 महत्वपूर्ण गुण जो होता है इनका, जो खोपड़ी के बारे में महत्वपूर्ण गुण है, जो इनकी खोपड़ी होती है, स्कल, जो स्कल है इनकी, इनकी जो स्कल है वो द्विकोंडाइलिक। कैसी होती है? द्विकोंडाइलिक। स्किल के बारे में अगर पूछा जाता है तो स्किल जो है इनकी खोपड़ी जो द्विकोंडाइलिक होती है। कपाल तंत्रिकाएं, नेक्स्ट बिंदु जो है पूछा जा सकता है, जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं, 10 जोड़ी, 10 पेयर्स। कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी पाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण जो इनका गुण है, 19 गुण, कर्ण से संबंधित में बाह्य कर्ण होते नहीं है, तो एक कर्ण पटल, एक कर्णपटल, एक कर्णपटल लिख सकते हैं इसको, कर्ण को दर्शाता है, टिम्फेनम लिख सकते हो आप। क्या कहलाता है कर्णपटल? टिम्फेनम, TEMPANUM। ये जो है कर्ण को दर्शाता है। मध्य कर्ण में केवल एक कर्ण अस्थि, मध्य कर्ण में केवल एक
कर्ण अस्थि। मध्य कर्ण में केवल एक कर्ण अस्थि, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स किस नाम से पाई जाती है? कॉल्यूमेला। क्या नाम से पाई जाती है? कॉल्यू, सी ओ एल यू एम ई डबल एल ए, कॉल्यूमेला पाई जाती है, जिसका उच्चारण करें तो कॉल्यूमेला पाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बाह्य कर्ण अनुपस्थित, बाह्य कर्ण अनुपस्थित मीन्स शरीर से बाहर किसी प्रकार के कर्ण का अंग नहीं पाया जाएगा। बाह्य कर्ण अनुपस्थित माने बाहर कर्ण निकले नहीं होंगे, पिन्ना नहीं होंगे, बाह्य कर्ण नहीं होगा। ठीक है। नेत्र पलक युक्त होते हैं। 20वां बिंदु देखें तो जो नेत्र है पलक युक्त, नेत्र पलक युक्त होते हैं, एक लिंगी होते हैं ये, मींस नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। निषेचन अगर देखें तो बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन बाह्य निषेचन पाया जाता है जो जल में होता है। बाह्य निषेचन पाया जाता है जो काय में होगा? जल में। निषेचन के लिए जल में निर्भर करते हैं, ऐसा पहले भी लिखा था। नेक्स्ट ये अंडज, अगला बिंदु जो है ये कैसे होते हैं? अंडप्रजक, अंडज भी बोलते हैं। ये अंडप्रजक मीन्स अंडा देने वाले होते हैं, जिन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवीपेरस। ऐसे जीव जो अंडा देने वाले होते हैं ओवीपेरस कहलाते हैं। और ये कहाँ पे अंडा देंगे? पानी में, जल में। वहीं पे निषेचन होगा तो बाह्य निषेचन होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष देखें तो लार्वावस्था नहीं पाई जाएगी और परिवर्धन अप्रत्यक्ष है तो लार्वावस्था पाई जाएगी। ठीक है। तो क्या उदाहरण के लिए टेरपोल लार्वा, टेरपोल लार्वा जो है मेंढक में पाया जाएगा, नेक्स्ट एक और लार्वा है एक्सोलोटल, ये नाम कभी आ सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सेलामेंडर में पाया जाएगा, सेलामेंडर में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण है सभी लोगों को पता है, जैसे एम्फीबिया के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मेंढक है जैसे। ठीक है। सेलामेंडर है, मेंढक है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट इसके बारे में एक दो ऑब्जेक्ट अगर डिस्कस करें, MCQ देखें, जैसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो एम्फीबिया में होता है,
एम्फीबिया में होता है। अगर परिसंचरण तंत्र के बारे में उन्होंने कह दिया तो दोहरा परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र या पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र या एकल परिसंचरण तंत्र। तो एम्फीबिया के लिए ये नोट कर लें सीधे सीधे आंसर कि एम्फीबिया में अपूर्ण, पूर्ण नहीं, कैसा, अपूर्ण, एम्फीबिया में अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसका अगर दूसरा एमसीक्यू डिस्कस करें, इनका जो मुख्य लक्षण है, अगर पूछ लिया कि एम्फीबिया का मुख्य लक्षण है, एम्फीबिया का मुख्य लक्षण है तो केवल जल में रहना, केवल थल में रहना, इनकी त्वचा शल्क रहित नम और ग्रंथल होती है, भी महत्वपूर्ण है। एक और है, अंगुलियों के सिरों पर नाखून पाए जाते हैं, तो इनमें नाखून नहीं पाए जाते, ठीक है। अंगुलियों के सिरों पर जो मैमल्स होते हैं उनके सिरों पर, उंगलियों के सिरों पर नाखून पाए जाते हैं, तो इसमें एम्फीबिया का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, त्वचा से संबंधित है कि त्वचा जो है, एक तो ये है कि दोनों जगह रह सकते हैं, थल और जल में, और एक ये है कि इनकी जो त्वचा होती है वो शल्क रहित है। कैसी है? शल्क रहित। शल्क रहित है, नम है और ग्रंथल, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथल होती है त्वचा, सॉरी, शल्क रहित, नम, ग्रंथल, त्वचा होती है। नेक्स्ट, तीसरा अगर एमसीक्यू ऑब्जेक्ट देखें तो बाटर डॉग, बाटर डॉग या जलीय कुत्ता, जलीय कुत्ता इस एम्फीबिया वर्ग में किस जीव को कहते हैं? तो इसका सीधे सीधे आंसर लिख लीजिए, आप याद भी कर लीजिए। इसका आंसर है नेक्ट्यूरस, नेक क्यूरस, ये याद रखें नाम, ऐसा ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। वाटर डॉग या जलीय कुत्ता जो है एम्फीबिया का कौन सा जीव है? तो नेक्ट्यूरस। नेक्स्ट, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसके लिए नोट कर लिया आप, इंडियन बुलफ्रॉग, इंडियन बुलफ्रॉग। एक और मैम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, स्थलीय उभयचर होते हैं, स्थलीय उभयचर होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरोकोटेलिक, यूरियोटेलिक और टीएमओ एओसा जी। तो इसमें यूरियोटेलिक कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक, आंसर लिख लें इसका, यूरियोटेलिक। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए और इसके महत्वपूर्ण 24, दोनों पार्ट को मिला के 24 जो है महत्वपूर्ण लक्षण डिस्कस किए एम्फीबिया के बारे में। इससे पूरा कंप्लीट एम्फीबिया
वर्ग हमने आज अध्ययन किया। थैंक यू।